हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े कि पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन क्या था, मतलब पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स क्या होते हैं, उसके अंदर में पार्टनरशिप के अंदर में कितने पार्टनर्स होने चाहिए, मिनिमम दो, मैक्सिमम 10 और 20, तो ये सब हम लोग अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़े थे। अब हम लोग ये चैप्टर का जो मेन थीम है, जो मेन चैप्टर है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां पे अब जाने वाले हैं। जैसा कि पहले ही अपने सिलेबस के टाइम पे हम लोग ऐसे डिस्कशन किए थे कि पीएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोगों का जो पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉफिट कमाता है, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में आपस में कैसे बांटते हैं, इसी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है, प्रॉफिट निकालने के बाद, मतलब नेट प्रॉफिट निकालने के बाद, पीएल अकाउंट बनने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, वो नेट प्रॉफिट निकालने के बाद उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के हाथों में किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, उसके लिए एक अलग से अकाउंट खोला जाता है। अकाउंट का नाम है नॉमिनल अकाउंट, जिसे नॉमिनल अकाउंट, उस अकाउंट को बोलते हैं हम लोग पी एल एप्रोप्रिएशन। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पी एल एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है, तो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। जैसे पर्सनल रियल नॉमिनल होता है ना, वैसे ये नॉमिनल अकाउंट है। पी एल एप्रोप्रिएशन क्या है, अपना नॉमिनल अकाउंट है। तो फटाफट से पहले नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखिए, पी एल एप्रोप्रिएशन इज एन नॉमिनल अकाउंट, पी एल एप्रोप्रिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको नोट्स में मिलेगा, मेरा जो जो हैंड रिटन बुक है उस नोट्स में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है। बट आप जो कॉपी में, जब आप टेस्ट कॉपी में जब आप नोट्स बनाओगे, तो नेक्स्ट जो भी नोट्स बनेगा वो बहुत समरी फॉर्म में बनेगा, ताकि एक बार आप समरी को पढ़ लो, याद आ जाए कि हाँ सर क्या पढ़ाते क्लास में। तो आपका नोट्स बनाने का मेन मकसद ये नहीं होगा कि मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करके पूरा हर एक चीज लिखाऊं। हर एक चीज तो बुक में लिखा ही है, जिसको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना वो तो देख लीजिए, जाकर बुक से जाकर पढ़ो। बट आपको मैं इस तरीके से टेक्स्ट बुक टेक्स्ट कॉपी में लिखवाऊंगा, ताकि आपको एक बार पढ़ोगे तो आपको मेन बात याद आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखे कि पीएल एप्रोप्रिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन जो चैप्टर है, इसको समझने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मतलब एक छोटा सा मैं स्टोरी सुनाऊंगा, आपको स्टोरी को एकदम ध्यान से सुनना है। उसको विजुलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, इस स्टोरी को चार चार अलग अलग लोगों के, मैं मतलब चार अलग अलग लोगों में बांट दिया। तो याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर स्टोरी में चार किरदार है, एक का नाम है सोना, एक का नाम है मोना और एक का नाम है डोना। सोना, मोना, डोना और एक है फॉर्म। फॉर्म मतलब मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं पार्टनरशिप फॉर्म हूँ, मैं बिजनेस हूँ, और ये लोग तीनों जन जो पार्टनर है हमारे, सोना, मोना, डोना इज अ पार्टनर और मैं क्या हूँ, बिजनेस हूँ। बिजनेस का नाम है फॉर्म, FIRM फॉर्म। होता क्या है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ स्टोरी का। सोना, मोना, डोना बचपन का फ्रेंड है, तीनों जन मिलके ये डिसाइड किया कि ये लोग पार्टनर से बिजनेस करेगा। तीनों जन अपने अपने घर से कुछ कुछ पैसा लेके आया और बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों को जगह का जरूरत था, तो जगह तो तीनों के पास नहीं था। तो जो डोना था, जो लास्ट वाला पार्टनर था, डोना बोला कि चल कोई बात नहीं, हम अपने पापा से इस विषय में बात करते हैं। पापा का एक छोटा सा 100 स्क्वायर फुट का एक छोटा सा रूम है, हम लोग उसी को अभी ऑफिस की तरह यूज करते हैं, ठीक है। तो वो लोगों का ऑफिस का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। कौन लेके आया, याद रखिएगा, डोना लेके आया, लास्ट पार्टनर डोना। सोना, मोना, डोना में लास्ट पार्टनर डोना लेके आया क्या, अपने घर से एक, मतलब अपने घर से अपने पापा से बात करके एक 100 स्क्वायर फुट का एक रूम था, उसको वो दे दिया कि चलो ऑफिस की तरह यूज करते हैं। थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ा, बिजनेस लोग करना स्टार्ट कर दिया। तो तीनों का थोड़ा सा नेचर के बारे में बात करूं, तो जो सोना है, सोना बहुत रिच है, बहुत ही रिच है, बट बहुत आलसी आदमी है। मतलब ऑफिस में आया आया नहीं आया नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत रिच है। मगर पैसे का दरकार कभी भी होता है फर्म को, तो वही देता है, तो बहुत रिच है। सोना इज अ रिच बट बहुत आलसी है। मोना जो है बहुत मेहनती है बट थोड़ा सा पुअर है, इन कम्पेयर टू सोना। सोना के कम्पेयर में मोना जो है थोड़ा सा पुअर है, बट एक्चुअली बहुत मेहनती आदमी, ऑफिस में सबसे पहले वही पहुंचता है, ऑफिस से रिलेटेड सारा काम यही करता है। बट जो डोना जो है वो रिच भी नहीं है, पुअर भी नहीं है, बट मेंटली बहुत स्मार्ट है। किसी भी चीज को होता ना कि कस्टमर्स को बेटर हैंडलिंग करना, इस सब चीज में बहुत आगे है वो।
कौन कौन बोलो, डोना। तो ये तीनों का नेचर आपको पता है। अब ये तीनों जन मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस का नाम है अजीत यादव, मतलब मैं। बिजनेस लोग स्टार्ट किया, बिजनेस मस्त चला एकदम, साल भर लोग बहुत मेहनत किया। साल भर मेहनत करने के बाद बिजनेस से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको ऊपर दिख रहा होगा, 10 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। अल्टीमेटली लोगों को 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, चलो अच्छा बात है। ईयर एंड आ गया, अब 10 लाख रुपए का बंटवारा होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही बंटवारा होना स्टार्ट हुआ तो याद रखिएगा, बंटवारा 3 जन के हिस्से में आएगा कि 4 जन के हिस्से में आएगा, याद रखिएगा 4 जन के हिस्से में आएगा। हम लोग क्लास 11 में ही पढ़े थे कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लोग फर्म के डेवलपमेंट के लिए रखते हैं, उसे बोलते हैं रिजर्व, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉफिट आया 10 लाख रुपया, उस 10 लाख रुपए को 4 हिस्से में बांटने का सोच रहे हैं लोग, सोना को, मोना को, डोना को, और साथ ही साथ फर्म को भी कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए। इस हिसाब से हम लोग बांटना चाहते हैं कि सोना, मोना, डोना एज वेल एज फर्म में भी कुछ पैसा रह जाए, ताकि फर्म को भी डेवलप करने के लिए आगे। ये जैसे ही 10 लाख रुपए मैं देखा, मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ, तीनों जन भी वहां पे देख रहा हूँ, उस 10 लाख रुपए को तीनों जन देख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ और ये तीनों जन भी देख रहे हैं कि चल भाई 10 लाख रुपए का बंटवारा आएगा, एक साल भर मेहनत की, चल आज तो फायदा होने वाला है, आज तो पॉकेट में कुछ पैसा जाएगा, मम्मी को बोलेंगे, मम्मी बहुत खुश होगी। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे हाथ बढ़ाने का कोशिश किया ना, वैसे ही कौन रुका पता है, डोना भाई, रुक 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 रुक, कौन रुका, डोना रुका, डोना लास्ट। मुझे क्या हुआ भाई, भाई तुम समझ नहीं रहे, डोना बोल रहा है, भाई तुम समझ नहीं रहे, सबसे पहले इसमें से, इस प्रॉफिट में से सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे किसके लिए, पापा के लिए। हमले पापा के लिए क्यों, क्योंकि देख ये जो प्रॉपर्टी था, जिस प्रॉपर्टी में हम लोग बिजनेस किए हैं, उस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी किसका था, पापा का था, तुम्हारे पापा का, ठीक है मानते हैं तुम्हारे पापा का था, चलो अच्छा बात है, बहुत अच्छे आदमी है तुम्हारे पापा, नहीं तुम्हारे पापा बहुत अच्छे, मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी से मतलब नहीं हमको भाई। देख प्रॉपर्टी यदि पापा किसी और को भाड़े पर देते तो पापा को रेंट मिलता, क्या मिलता, रेंट मिलता, बट पापा मेरे से रेंट नहीं मांगे भाई, ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है, डोना बोला, भाई देख रेंट तेलुक से नहीं मांगे, बट तेलुक को रेंट के नाम पे कुछ तो देगा पैसा भाई। तो हम लोग बोले कितना लेंगे बोल, तो बोला कुछ नहीं बस, भाई देख दोस्ती यार एकदम ठीक ठाक रहेगा, बस कुछ नहीं, बस मेरे को 1 लाख रुपए दे दे एज अ रेंट, साल भर का रेंट 1 लाख रुपए दे दे। हम लोग बहुत गुस्सा हुए, कौन, सोना, मोना और हम, फॉर्म, तीनों गुस्सा हुए, बट फिर बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन नहीं अपने पास, क्योंकि है नहीं अपने पास, तो चल कोई बात नहीं, उसमें से हम लोग क्या किए, निकाल के दे दिए, 1 लाख रुपए ले भाई सोना, डोना 1 लाख रुपए ले अपना रेंट के रूप में, हम उसको दे दिए, 9 लाख रुपए बचा। चल हम लोग सोचे कि चल कोई बात नहीं, 9 लाख रुपए अब चारों हिस्से में बढ़ जाना चाहिए। जैसे ही बांटने का बारी आया वैसे सोना उठा, क्योंकि सोना को तो गुस्सा आ गया था डोना के ऊपर, तो सोना बोला अच्छा बेटा सब कोई अपना अपना देख रहा तो मैं भी तो अपना देखूंगा ना। अब सोना बोल रहा भाई सुन, भूल मत, तुम जैसा प्रॉपर्टी दिया ना, प्रॉपर्टी का तुम रेंट लिया, वैसे ही याद कर लॉकडाउन के पीरियड में जब ऑफिस बंद था पूरा, उस टाइम पे बिजनेस एकदम ठप हो गया था, उस टाइम पे बिजनेस को फिर से स्टार्ट करने के लिए पैसे का दरकार था, तो मैं भी उसको पैसा दिया था भाई। देख भाई बिजनेस स्टार्ट किए थे हम लोग, तीनों दिन कैपिटल लगाए ना, तीनों दिन पूंजी लगाए ना, बट अब जो हम मिड ऑफ द ईयर में जो पैसा लगाए हैं भाई, वो मेरा कैपिटल नहीं है, हम लोन की तरह तुमको दिया भाई। और जैसे कि लोन, जिस तरीके से तुम प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट लिया, तो मेरे को भाई लोन के ऊपर भी मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, बस सीधा सा बात, हमको नहीं पता, हम वो लोन किसी और को देते तो मेरे को वहां से इंटरेस्ट मिलता। तो हम मोना और डोना उसको ऐसे देखे, फिर हम भी लोग सोचे कि भाई डोना जब पैसा मांग लिया तो ये भी पैसा जो मांग रहा है वो भी सही है, गलत तो मांग नहीं रहा है, तो हम लोगों को इसको देना चाहिए क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या दे रहे हैं हम लोग इसको, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का पूरा अमाउंट तो नहीं दे पाएंगे बट इंटरेस्ट ऑन लोन की तरह कुछ पैसा इसको देते रहे। चल भाई कोई बात नहीं, तुमको इंटरेस्ट कहीं और लगाता तो तुमको इंटरेस्ट मिलता, तो कोई बात नहीं, तुम लोग इंटरेस्ट ही मेरे से ले ले। तो हम उसमें से 9 लाख रुपए में से हम बोले कितना इंटरेस्ट चाहिए, तो बोला 50,000 रुपया, मजबूरी का फायदा उठा रहा है, कोई बात नहीं 50,000 रुपये निकाल के इसको दे दी। अब भाई हम बोले भाई सोना ठीक है ना, 50,000 रुपये लेके खुश है ना, बोला हाँ खुश है। डोना खुश है ना भाई 1 लाख रुपये रेंट लेके, वो भी बोला खुश है, चल कोई बात नहीं, बचा कितना 8.5। अब 8.5 में हम लोग सोच रहे कि चलो भाई 8.5 को अल्टीमेटली हम लोग डिवाइड करें,
8 लाख रुपया में हम और सोना हम सोचे कि चलो डिवाइड करते हैं। अभी अल्टीमेटली 8.5 लाख रुपया को ही डिवाइड करना चाहिए। अब हम लोग ऐसा डिसाइड कर लिए। वैसे ही बोलो कौन सा आदमी है, कौन सा पार्टनर है जो कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप से बैठा था, बस खाली गुस्सा हो रहा था बट बेचारा चुपचाप से बैठा था। वो था मोना। बहुत मासूम चेहरा लेके बेचारा बैठा हुआ है, गरीब है बट मोर मेहनती आदमी है। सुबह सुबह उठ के, सुबह सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस खोलता है और हम लोग आते हैं, मतलब हम लोग क्या, सोना और डोना आता है 12 बजे, कोई 1 बजे, तो कोई शाम को आया, और वो बेचारा दोपहर भर घर पे ऑफिस में ही रहता है। तो अब उसको भी कुछ पैसा चाहिए, अब दो तुम लोग, क्या देगा पैसा। तो सोना, वो डोना बोल रहा, भाई देख ते लोग भाई मानते हैं, ते लोग बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चलाने के लिए तो लोग बहुत चीज़ मेहनत किया, बहुत चीज़ दिया तुम लोग, उसके बदले में तुम ले लिया। बट भाई देख अभी जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट में से बंटवारा करो, 8.5 लाख रुपये का ही बंटवारा करो, बट 8.5 लाख रुपये का बंटवारा करो तो उसमें से कुछ कुछ पैसा भाई मेरे को दे दे। देख नेट प्रॉफिट तो बटेगा ही, बट मेरे को भाई देख, सुबह को 8 बजे हम डेली आते हैं, हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में मेहनत करते हैं इतना, तो मेरे को मेहनत के बदले कुछ तो पैसा दे भाई। तो हम लोग बोले बोल क्या चाहिए। तो बोला देख भाई, हम 8 बजे से लेके 12 बजे तक, तुम लोग तो आता नहीं है, 8 बजे से लेके 12 बजे तक हम अकेले संभालता है पूरा ऑफिस। यदि 8 से 12 तक हम कहीं और काम करता तो मेरे को कुछ पैसा मिलता। तो हम लोग बोले हाँ वो तो बात है। तो बोला जो पैसा मिलता मेरे को वही दे दे, मतलब सैलरी मेरे को दे दे, मतलब उसको क्या चाहिए, अब सैलरी चाहिए। क्या चाहिए उसको, सैलरी। बोले हाँ ये भी बात सही बोल रहे हैं कि चल कोई बात नहीं, इसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, जो हिस्सा उसको बिजनेस में जो मेहनत कर रहा था, मेहनत के ऊपर भी उसको पैसा मिलना चाहिए। जैसे कि उसको प्रॉपर्टी के लिए चाहिए रेंट, उसको लोन के लिए चाहिए इंटरेस्ट, वैसे उसको भी तो मेहनत के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो कोई बात नहीं, कितना चाहिए भाई, बोल रहा 50,000 दे दो। हम खुश हैं, हम 8.5 लाख में से 50,000 निकाले और बंदा को दे दिए। चल कोई बात नहीं, बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ 8 लाख। अब हम सोचे कि भाई अब तो ठीक है, अब निकाले, अब चल 8.5 लाख। जैसे ही हाथ ऐसे बढ़ाए वैसे उठा कौन, सोना। भाई सुन सुन सुन, रुक 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 रुक, रुक, रुक। भाई एक चीज याद आया हमको। बोले क्या, बोल भाई जो मोना है, मोना जो गरीब है भाई, मेहनती है मानते हैं, बट एक चीज बता, वो मेहनत करता है, उसके मेहनत के बदले वो सैलरी लिया, और हम लोन के बदले, हम लोन दिए थे तो लोन के बदले हम इंटरेस्ट लिए, तो लोन के बदले यदि हम इंटरेस्ट ले रहे हैं तो भाई बीचों बीच, मतलब साल के बीच में जो मोना था वो 10,000 रुपये अपने घर पे लेके गया था, अपने घर पे कुछ खर्चे के लिए, घर पे खर्चे के लिए वो 10,000 रुपया बिजनेस से उठाया था। तो ऐसे हमको याद आ गया, अरे हाँ 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 भाई, याद दिलाया भाई, याद दिलाया। तो कौन है, फर्म है, फर्म बिजनेस, हमें बहुत अच्छा याद दिलाया भाई। अब फर्म बोल रहा है, भाई देख डोना, भाई भाई तुम मेरे से 10,000 रुपये का लोन लिया था, याद है, तुम मेरे से 10,000 रुपये का लोन लिया था, मतलब अल्टीमेटली तुम ड्राइंग किया था, ड्राइंग बिजनेस से तुम पैसा उठाया, तुम क्या किया है, ड्राइंग किया, ड्राइंग तुम जो ड्राइंग किया है, तो जैसे ये लोन हमको दिया था तो ये इंटरेस्ट लिया, वैसे हम तुमको लोन दिया, मतलब तुम मेरे से ड्राइंग किया है तो तुमको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना चाहिए। तो डोना बोल रहा हाँ भाई देना तो चाहिए। हम बोले दे डोना, दे 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 इंटरेस्ट दे, 20,000 रुपये इंटरेस्ट हम ले लिए, और 20,000 रुपये इंटरेस्ट लेके मारे वहां पे आ गया। कितना रुपया, अब पहले 8 था, अब कितना हो गया, 8.5, सॉरी 8,20,000। अब बन के कितना गया अमाउंट, 8,20,000 रुपये बन गया। अब समझो एक बार, इसको बोलते इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या बोलते इसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 20,000 रुपये, 10,000 रुपये का लोन लिया, 20,000 रुपये का मैंने इंटरेस्ट ले लिया, मेरा मन भाई अपना मन, कोई सीधा सा बात। तो 20,000 रुपये का मैं इंटरेस्ट ले लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और मैं वहां पे जोड़ दिया, तो अल्टीमेटली अब 8,20,000 हो गया। तो अब हम लोग सोचते हैं कि चलो अब बांटा जाए। जैसे अभी सोचे तो सब कोई बोला भाई देख ठीक बात, कोई बात नहीं। बट बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था, तो बिजनेस जब स्टार्ट किया गया था, तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त क्या तीनों पार्टनर एक ही अमाउंट पे पैसा लेके आया था क्या, कौन बोला, सोना,
हम बोले नहीं सुना भाई, देख तुम ज्यादा लेके आया था, मोना थोड़ा कम लेके आया था, डोना भी थोड़ा सा मोना के अपेक्षा में थोड़ा ज्यादा लेके आया था, बट ठीक ठाक लेके आया था। कितना कितना लेके आया था जल्दी ले बोल। तो ये लेके आया सोना लेके आया था 5 लाख, वो लेके आया था 6 लाख, वो ये सोना लेके आया था 5 लाख, वो लेके आया था 2 लाख रुपया, और वो लेके आया था 4 लाख रुपया, 5, 2 और 4। तो यदि हम उस प्रॉफिट जो 8 लाख 20 दिख रहा है यदि हम उसको इक्वली बांट दें तो सोना के साथ किया गया जाती होगा, क्योंकि सोना ज्यादा कैपिटल दिया है तो उसको ज्यादा पैसा चाहिए। तो देखो हम लोग प्रॉफिट का बंटवारा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे पता है, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। जैसे लोन की तरह इसको इंटरेस्ट दिया ना, वैसे ही कैपिटल की तरह भी क्या करेंगे इंटरेस्ट देंगे। चल कोई बात नहीं, 10-10% हम सोचे हैं कि तीनों को 10-10% उसके कैपिटल पे पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग क्या किया, तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया। मान लो इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेशन करने के बाद वहां पे बचा 7.5 लाख रुपए, मतलब इंटरेस्ट देने के बाद बचा कितना वहां पे 7.5 लाख रुपया। अब 7.5 लाख रुपया अल्टीमेटली हम लोगों को अब बांटना चाहिए। जैसे ही बांटने गए वैसे ही कौन उठा बोलो, डोना। डोना बोला भाई सुन 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 सुन, इसको सैलरी चाहिए, इसको इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए, और भाई तेको भी कुछ का कुछ पैसा चाहिए। भाई एक चीज एक बात बता, ये मेहनत किया पैसा लिया? हम बोले हाँ। वो ज्यादा कैपिटल लिया और ज्यादा इंटरेस्ट लिया? हम बोले हाँ। वो लोन दिया था वो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लिया? हम बोले हाँ। तभी तो हम बोले भाई तभी तो रेंट लिया ना? बोला हाँ रेंट लिया हम, बट सुनो सुनो, रेंट हमने लिए, रेंट पापा दिए, पापा को के लिए लिए, हम अपने लिए नहीं लिए। हाँ इंटरेस्ट हम अपने लिए नहीं लिए, सिर्फ उसे सॉरी रेंट हम अपने लिए नहीं लिए, अपने रेंट लिए हैं सिर्फ उसी पापा के लिए। तो डोना बोला सुन भाई, ये मेहनत का पैसा लेना ना, सुबह से 8 बजे से उठ के बैठता तो उसके लिए पैसा लेता है। तो भाई एक बात बता, हम भी मेहनत किया है, हम डेली बाहर जाके कस्टमर के दुकान कस्टमर के पास जाते हैं, सामान को सेल करते हैं, कस्टमर्स को पटाते हैं कि सामान मेरा खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो। तो ये ऑफिस खोलने का और ऑफिस में बैठने का पैसा ले रहा है, तो हम जब सामान सेल करते हैं अपने स्मार्टनेस से इतना सामान सेल करते हैं, तो भाई मेरे को सेल्स के ऊपर कुछ पैसा नहीं देगा? हम बोले क्या चाहिए बोल। तो बोले मेरे को कमीशन दे। क्या दे इसको आप? अब उसको चाहिए कमीशन। सिचुएशन देख रहे हो, इसको चाहिए अब कमीशन। हम बोले चल कोई बात नहीं, कमीशन ला के दे दी। हम बोले ले पकड़, अब हो गया, अब चुप रहे। तो कमीशन कितना चाहिए? बोला 20,000 रुपये। उसमें से निकाले 20,000 रुपये कमीशन इसको दे दिए। अब जो पैसा बचा तुम्हारे पास, अब इस पैसे को आप बंटवारा, हम बोले भाई अब बंटवारा कर देने भाई, प्लीज बंटवारा कर लेने दे। ये लोग बोलो, दोनों बोल रहा सोना मोना डोना, तीनों बोला हाँ भाई अब बंटवारा कर लो, अब किसी बात का झगड़ा नहीं। हम बोले देख भाई तुम लोग ऐसे झगड़ा करेगा तो बिजनेस चलेगा कैसे? तो सोना मोना डोना आपस में ये लोग एग्री हुआ, बोला कोई बात नहीं, अब तो हो गया जो बात होना था हो गया, पैसा बंटवारा होना था हो गया, अब जो प्रॉफिट बचा है अल्टीमेटली चारों में बांट दो। तो बताओ चारों में जब बटेगा तो हम बोले कि भाई देख ते लोग सब कोई अपना अपना कुछ कुछ बात बोला है, भाई हम कुछ भी नहीं बोले, एक बार भी कुछ नहीं बोले कि भाई हमको ये दो। तो भाई देख सबसे पहले प्रॉफिट का जो हिस्सा है ना, सबसे पहले उस प्रॉफिट का हिस्सा को मेरे को मिलेगा। मतलब फर्म बोल रहा है कि इस प्रॉफिट के हिस्से में सबसे पहला हिस्सा किसका होगा? मेरा। तो हम क्या किए, सबसे पहले उसमें से कुछ पैसा मान लीजिए 1 लाख रुपए हम निकाल के अपने पॉकेट में रख दिए, ठीक है। अब जो पैसा बचा अब आपके रेशियो में बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो प्रॉफिट बचा, अब जो दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मतलब अल्टीमेटली इसी प्रॉफिट को हम लोग इस तीनों में बांटेंगे, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये अपना स्टोरी एंड हो गया। अब स्टोरी का थोड़ा मेन समझना, मैं पहले बताया कि पहले क्या हुआ कि डोना लास्ट जो पार्टनर था उसको रेंट मिला क्योंकि वो प्रॉपर्टी दिया था, और इसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिला क्योंकि वो लोन दिया था। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन करने के पहले हम लोग क्या किए, ये दोनों चीज हम लोग दोनों को दे दिए थे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का बात आया, क्या बोले हम, कौन सा चीज, दो चीज खाली याद रखना, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन। यही दोनों चीज जो है जो बिजनेस रिलेटेड नहीं था। देखो रेंट बिजनेस रिलेटेड नहीं है, बिजनेस रिलेटेड है क्या? क्या वो डोना का अपना प्रॉपर्टी था क्या? नहीं, डोना का ही के फादर का था मानते हैं, बट अपना उसका प्रॉपर्टी था क्या? नहीं, मतलब वो आउटसाइड, उसके पापा तो आउटसाइडर है ना बिजनेस के हिसाब से, उसके पापा तो आउटसाइडर है,
तो आउटसाइडर से यदि कोई चीज ली है तो उसको तुमको रेंट पे करना पड़ेगा। और वैसे ही ये भी मान लो ये अपनी मम्मी से लोन लेके आया था, तो मम्मी से जो लोन, मम्मी भी इसकी बाहर की थी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग जो दे रहे थे वो भी बाहर का ही था। तो ये जो दो चीज है, दो आइटम, कौन कौन सा, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दो आइटम जो है इसको बोलते हैं चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट में इसको चार्ज किया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के पहले जो भी खर्चा को हम लोग प्रॉफिट के अगेंस्ट माइनस करते हैं, चार्ज मतलब होता है माइनस करना, प्रॉफिट के अगेंस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने के पहले जो खर्चे को माइनस करते हैं उस खर्चे को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एक बार जब प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज हो जाता है कोई खर्चा, माइनस करने के बाद जो बचता है, जैसे कि जो बचता है यदि उसका जब बंटवारा होता है, चाहे वो सैलरी बोलो, चाहे वो कमीशन बोलो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलो, चाहे वो रिजर्व में ट्रांसफर करो, मतलब जो हमको हम जो पैसा लिए, ये सारा का सारा क्या है, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट में आप चार्ज करो, मतलब बंटवारा करने के पहले जिस खर्चे को आप प्रॉफिट से माइनस कर रहे हो उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और दो ही आइटम आपके सिलेबस में, एक रेंट है और एक इंटरेस्ट ऑन लोन है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व में ट्रांसफर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से इनकम, मेरे लिए तो इनकम था ना ये, तो आपको खर्चे के बारे में बात करना है। तो सिर्फ बिजनेस का खर्चा क्या है? बिजनेस का खर्चा सिर्फ चार है, कौन कौन सा बोलो? सैलरी, कमीशन, बिजनेस का हिसाब से एप्रोप्रिएशन कैसे बट रहा है, पहले इसको सैलरी दे रहे हैं, फिर इसको कमीशन दे रहे हैं, फिर इसको क्या कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, और जो बचा फिर रिजर्व दे रहे हैं, बाद बाकी जो बचेगा उसको इसका बंटवारा होगा। तो अब तक हम लोग दो चीज पढ़े कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक एक आइटम को पहले एक बार 2 मिनट के लिए देख लो, कोई एक पर्टिकुलर आइटम जो डाउट है पूछ लो, अदरवाइज डाउट तो नहीं होना चाहिए, आपको स्टोरी याद रहना चाहिए। याद रखिएगा जो प्रॉफिट को बांटने के पहले जो चीज को भी माइनस करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एक बार वो खर्चे को माइनस कर देते हैं उसके बाद जो बंटवारा किया जाता है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो रिजर्व हो, ये सारा का सारा जो आइटम होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सारा का सारा आइटम होता है, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो दो टर्म हम लोग सीखे, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, दोनों चीज सीखे समझ के बाद। तो सबसे पहले आप उसके बाद लिखोगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का देखिए, अब आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का डेफिनेशन, ठीक है। उसके नीचे आपको एग्जाम्पल भी लिखना है, ये डेफिनेशन उतारना है, उसका फिर एग्जाम्पल लिखना है, उसका चार्ज एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का भी डेफिनेशन आपको दिख रहा होगा उसके नीचे, उसका भी नीचे भी आपको एग्जाम्पल लिखना है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेट्रा, ठीक है। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ कैपिटल, समझ गए बात। तो सबसे पहले आप उतारिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। चलिए और आगे थोड़ा देखिएगा, यदि हम ये हम लोग सीख लिए कि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, हम लोग क्यों सीखे समझो, हम लोग इसलिए सीखे सर कि देखिए जो डोना था, मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो था, चाहे वो सैलरी हो चाहे वो कमीशन हो, दोनों का दोनों आइटम है ना, यदि कोई पार्टनर चाहे, कोई पार्टनर को यदि कोई पार्टनर मान लो सैलरी चाह रहा है कि नहीं मेरे को सैलरी चाहिए भाई, जिसे मांग रहा था ना वो मोना कि भाई मेरे को सैलरी चाहिए भाई, बहुत मेहनत करते हैं, चाहे वो डोना मांग रहा था कमीशन, तो हम इधर को बोल सकते हैं भाई देख कंपनी का हालत अच्छा नहीं है, एक काम करते हैं ना भाई इस बार के लिए सैलरी मत ले, तो शायद ये लोग मान जाए ना। बट यदि रेंट के बारी आएगा या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारी आएगा तो क्या उसके पापा मानेंगे? नहीं। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन में, लोन इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट लोन जो हम सोना को दे रहे थे, क्या उसकी मम्मी मानेगी? नहीं मानेगी। तो आपको यह समझ में आया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वो खर्चा जो कभी भी टॉलरेट नहीं किया सकता, मतलब इसको आप कभी भी उसको आगे की तरफ नहीं बढ़ा सकते, मतलब छोड़ नहीं सकते, आपको देना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट का बंटवारा हो रहा है, बंटवारा करते वक्त हो सकता है पार्टनर्स मान जाए,
और हो सकता है पार्टनर नहीं माने, या प्रोफेशनल प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इस दोनों में अंतर बहुत बार एग्जाम में आया हुआ, बट आपको अंतर पढ़ना नहीं है, आपको कॉपी में लिखा देंगे हम, या फिर आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ना नहीं है। क्यों नहीं लिखना, क्यों नहीं पढ़ना, इसके पीछे कारण है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, चार नंबर का एक क्वेश्चन जो आता है, तो प्रैक्टिकल जो आता है ना, प्रैक्टिकल का ये और आता थ्योरी, तो आपको प्रैक्टिकल करके जाना है, 90 लाना है आपका, आपका जो मेन मकसद है उसके उससे भटकना मत, आपका जो मेन मकसद है 90 प्लस लाना है, और 90 प्लस लाना है तो आपको प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। प्रैक्टिकल यदि आपका बहुत ईजी है, यदि प्रैक्टिकल आपके हाथ में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिकल करके जाओ, क्योंकि चार में चार तुमको मिलेगा, 100 out of 100 भी ला सकते हो आप, तो चार में चार आपको मिलेगा यदि आप पीयर प्रिपरेशन का खाली प्रैक्टिकल करके आते हो। थ्योरी करोगे तो जितना भी अच्छा लिखो उसमें चार में से 3-2 ही आपको मिलने वाला, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है, बट फिर भी आप इसको ऐसे बोर्ड पे लिखा हुआ, आप कॉपी में उतारना तो उतार लो, अदरवाइज उतारने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये हमें पढ़ लिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आगे का जो है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसका ही डिटेल्स। एक बार के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप घर पे जितना भी हम आज पढ़ाए हैं, 2-3 पेज आप लोग शायद 2 पेज से जरूर लिखे होंगे, प्लीज एक बार घर पे जाके पढ़ के आइएगा। आप जब पढ़ के आइएगा ना, देखिएगा पढ़ाने का जो तरीका होगा ना, एकदम एक्सटेंड लेवल पे होगा, ठीक है। तो आपको समझ में भी आएगा। तो प्लीज आप बस कुछ नहीं, आप जैसे मान लीजिए कल जो क्लास है, फिर नेक्स्ट क्लास जब भी है, उसके बस आधे घंटे पहले आप एक बार के लिए आप रीड आउट कर लोगे ना, तो वही आपके लिए काफी है, ठीक है। तो अभी हम क्लास एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, घर पे रहिए और